कांग्रेस के घोषणा पत्र को मायावती ने बताया छलावा, क्योंकि पहले बीजेपी का घोषणा पत्र आया, फिर उसके बाद कांग्रेस का आया, और कांग्रेस ने 72,000 रुपये सालाना देने की घोषणा करी। उसके अलावा बहुत जुमले जैसी बातों पे मोहर लगाई। ये इस तरीके के घोषणा पत्र को बहन कुमारी मायावती ने बताया है कि देश के साथ छलावे का काम कर रहती हुई आ रही हैं इतने टाइम से बीजेपी और कांग्रेस। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को छलावा बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के वादों के प्रति जनता में विश्वास नहीं है, वैसे इस मामले में कांग्रेस तथा भाजपा से ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गठबंधन की हार के डर के मारे नए नए घोषणा पत्र के बदलाव कर रहे हैं, नए नए लुभावने ऑफर देने लग रही हैं बीजेपी और कांग्रेस। उन्होंने कहा कि देश के अंदर अब गठबंधन का तोड़ नहीं है, क्योंकि सपा और बसपा के सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और बसपा को समर्थन कर रहा है, बसपा और सपा को गठबंधन कर रहा है। इसी डर की वजह से कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छूटे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि डर से भयभीत हैं, इसलिए जातिवाद तथा अनगर्ण बनावटी बातें कर रहे हैं। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।